अनमोल डर गई है बकरा देख के। वो देखो अनमोल डर गई है, डर फोक है अनमोल तो। कुछ बना लिया है, मुझे बड़ी आसानी हो गई। अल्लाह पाक इसका ना कामयाबी दे इसको बहुत। अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? मेरा सब खैरियत से होंगे और खुशहाल होंगे। तो ईद की शॉपिंग भी हो गई, आप सबने मेरी ईद की शॉपिंग की जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी तो आप सबने बहुत ज्यादा लाइक किया, बहुत ज्यादा मुझे डीएम आए हैं आपने सबने, मेरे ड्रेसेस को बहुत ज्यादा लाइक किया, तो मेरी तरफ से सबको थैंक यू सो मच। तो शॉपिंग भी हो गई और भी बहुत से काम हैं जो रह गए हैं, जो किचन के काम हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मेरी इस वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि वहां से मेरी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंचेगी। तो ईद के कुछ काम रह गए हैं, तो जाहिर है जो बड़ी ईद होती है, बकरा ईद होती है, वो किचन में गुजर जाती है आदमी। तो जैसे ही मतलब कुर्बानी होती है तो किचन के काम स्टार्ट हो जाते हैं। कोई कहता है हमें पुलाव बना दो, कोई कहता है हमें जी बोल दो, तो ऐसे ऐसे और भी बहुत से काम होते हैं किचन में। तो कुछ ऐसी चीजें हैं किचन की, तो हम जा रहे हैं ग्रोसरी शॉपिंग करने अम्मी के साथ, तो वहां से हमने क्या कुछ वेजिटेबल्स हैं और भी बहुत सी चीजें हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी, मैं वो बातें आपके साथ आज शेयर करूंगी। तो चलते हैं अभी ग्रोसरी शॉपिंग करने अम्मी के साथ, चले और साथ हमारी छोटी अनमोल भी होगी जो मेरे साथ लास्ट में होती है। चलें तो आपको मैं आइडियाज बताऊंगी कि वेजिटेबल्स को कैसे फ्रीज करना है। तो ये आइडियाज किसके हैं वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि किसने मुझे ये आइडियाज दिए। चलें तो ये देखिए आयत और अनमोल को क्या कर रही है अनमोल। मैं आयत कर रही हूं खाना पका रही हूं। ओए अनमोल आयत के लिए खाना बना रही है। हां अनमोल इधर देखो। ओए आयत, आयत आप ये क्या खाने, आयत क्या खाती है शौक से? हाँ देखिए आयत कितना प्यारा खेल रही है माशाल्लाह से। आयत अनमोल के साथ बहुत ज्यादा प्यार है आयत का। तो देखिए अम्मी भी आ गई है और छोटी अनमोल भी आ गई है। अनमोल का हेयर स्टाइल देखिए, अनमोल देखो अपना हेयर स्टाइल इधर से ये देखिए। अनमोल का हेयर स्टाइल मैंने बनाया है, अब बाल छोटे हैं इसके, जब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेंथ सही हो जाएगी, तो मैं आपको ये ना बच्चों के हेयर स्टाइल बताऊंगी। सही है मैं तुझे वो वाली तुझे भी लेने जानी वो अली वो येलो भी तुझे नहीं। चलो ठीक है, हाँ तो चले अम्मी चलते हैं। हाथ में रोल कर लो कौन को। अरे इधर इधर बाल का चक्कर, बाल का चक्कर, तुमने नहीं पकड़ा वो। ये क्या है यार, ये बकरी है अनमोल, ये देखो बकरे कितने प्यारे हैं, ये देखो प्यारे है ना बकरे। वो देखो ये क्या है, बकरी है, वो खा रहे अपना खाना खा रहे हैं। तो हम आए हैं यूनिवर्सल मार्ट में, तो यहाँ से हम करेंगे ग्रोसरी शॉपिंग। ईद की कुछ चीजें हैं, कुछ वेजिटेबल्स वगैरह वो हम लेंगे। अनमोल ने क्या लेना है, येलो कलर की? हाँ। चलाओ पकड़ लो पकड़ लो, हैप्पी हो गई। तो शॉपिंग हमने कर ली है, तो सब कुछ हमने ले लिया है, अनमोल को चीजें भी लेके चली हैं, अब हम घर चलते हैं। चले अनमोल चले। हमेशा की तरह अनमोल ने जिद की कि मैंने गार्डन आना है, तो अनमोल गार्डन आ गई है, कहती मैंने यहाँ बैठ के आइसक्रीम खानी है, तो अनमोल ने आइसक्रीम खा ली है। मज़ा आया आइसक्रीम खा के? अब क्या खा रहे हैं लंडी? चले अनमोल जल्दी करें, घर जाके हमने काम भी करने हैं, पता है आपको ईद आया तो फिर उसके बाद किचन का कुछ ऐसा काम है जो मैंने करना है। हाँ तो आपकी शॉपिंग हो गई कपड़ों की, मम्मा ने कर ली थी ना, मेरी पप्पू की भी होगी शॉपिंग, सबकी होगी, बस अब किचन के थोड़े से काम रह गए हैं। अनमोल यहाँ झूले ले रही है और यहाँ देखें बच्चे क्या लेके आ रहे हैं, ये देखो बच्चे खेल रहे हैं बकरे के साथ। अनमोल आप डर गए हो,
मार्केट से आ गई हैं, तो ये देखे हैं सारी वेजिटेबल्स। ये देखें ये तोरियां हैं, ये हरी मिर्च, लेमन, गोभी, आलू, टमाटर और साथ ही करेले जो सब बहुत शौक से खाते हैं। तो ये है लहसुन, ये अदरक और ये है प्याज, सब कुछ आ चुका है। तो अभी सारी वेजिटेबल्स आ गई हैं, क्या करना है? सारी वेजिटेबल्स बना के और वो अदरक लहसुन जो खास मसाले के रहता है लाजमी, उसको भी सब कुछ बना कर मैं फ्रीज करती हूँ। तो मैंने अम्मी से कहा अम्मी आपको ईद में आसानी हो जाएगी, कि ईद में भी पैक इंसान ने कपड़े पहन के तैयार होना होता है और किचन का भी इतना काम होता है, तो सब कुछ रेडी होगा ना तो आसानी से खाना बन जाएगा, है ना अम्मी? सही है ना? सही है। तो मैं बना लेती हूँ ना, फ्रीज कर लेती हूँ, लेकिन उसको ना पीसती नहीं। हाँ तो देखिये मेरी अम्मी के दांत भी लग चुके हैं, देखिये कितनी प्यारी लग रही है मेरी अम्मी। मैंने आपसे कहा था कि जब अम्मी ना मेरे दांत लग जाएंगे तो अम्मी आपसे बातें करेंगी प्यारी प्यारी। अब ना अम्मी को जरा शर्म नहीं आई, पर अम्मी को शर्म आती थी, सब क्या सोचेंगे, अजीब सा मुंह लगता है। तो देखिए आज अम्मी के दांत लगे कितनी खूबसूरत लग रही है। तो ना अब ना अपना काम स्टार्ट करते हैं, बाकी सारे काम हो चुके हैं ईद के, मतलब शॉपिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। तो ये किचन का लाजमी काम था, मैंने सोचा मेरे साथ हेल्प करवा दूँ। तो आपको बताऊंगी कि किस तरीके से सब कुछ फ्रीज करते हैं, अदरक लहसुन टमाटर वगैरह ये सब कुछ, और वेजिटेबल्स भी मैं सारा कुछ काट के रखूंगी, तो अम्मी की काफी हेल्प हो जाएगी। ठीक है अम्मी? ठीक है ना? तो ना मैंने कहा अम्मी मैं आपको ना सारी वेजिटेबल्स बना के फ्रीज करके आपको दिखाती हूँ, तो जब ना आप खाना बनाएंगी ना तो बहुत ज्यादा खुश होंगी और बहुत जल्दी खाना बन जाएगा, क्योंकि अब ना बहुत खाने पीने का शौकीन है, तो खाना हमेशा टाइम पे देर होने से टाइम पे मांगते हैं। तो इस वजह से ना आज ना सारा ये प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी, जल्दी जल्दी खाना बन जाएगा। सुबह नाश्ते के बाद ना भूल खाना मांगते हैं मुझसे, तो ईद पे ताकि ईद पे कोई ना कोई आया होता है, इसलिए मुश्किल हो जाती है, और भी काम होते हैं, इसलिए सब कुछ ये बना होगा तो आसानी हो जाएगी। ठीक है ना? ठीक है, चलो ठीक है, सब कुछ बनाते हैं अभी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे वेजिटेबल्स को वॉश करेंगे। तो ये देखें ये तोड़िए मैंने वॉश कर ली है, इसको हमने ना फ्रीज भी करना क्योंकि ये हमने कल बना लिया है। ठीक है ना? तो इधर मैं करेले वॉश कर रही हूँ, तो करेले भी बना के रख लेंगे। तो ये देखिए टमाटर भी मैंने वॉश कर दिए हैं, और ये अदरक भी जो हमने मतलब काटना है इसलिए इसे पहले वॉश कर दिया, और ये लहसुन देखें, ये लहसुन को मैंने पानी में भिगो के रख दिया कुछ देर के लिए, फिर ये बहुत आसानी से कट होता है, खोल के ना मैंने लहसुन को साफ पानी में भिगो के रख दिया ऐसे। तो अभी कितना ही लहसुन होगा आपके ख्याल से? आधा किलो। एक हफ्ते के लिए बस फ्रीज कर रहे हैं लहसुन अदरक और साथ ये वेजिटेबल्स सारी, इतनी नहीं कि ज्यादा नहीं, इतना फ्रीज भी नहीं करना, तो एक हफ्ता गुजर जाएगा, आधा किलो है ना। चले इसे भी साइड पे रखते हैं। अपना लेमन है और एक हरी मिर्ची, इसे मैं वॉश करती हूँ। चले अभी और भी पड़ी हुई है फ्रिज में, इसलिए ना हमने थोड़ी ली है, वो ब्रीक है। हाँ तो हमने ही लिए बड़ी बड़ी, तो ये लेमन लेंगे थोड़े से, क्योंकि कभी कभी आमला को जरूरत पड़ जाती है रेसिपी बनाने के लिए, तो इसलिए लेमन हम लाजमी लेते हैं। जब भी मार्ट में जाएं तो हम ग्रोसरी शॉपिंग करें तो लेमन और ये हरी मिर्चें लाजमी लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाजमी होती है हर खाने में, तो इसे हम ऐसे ही वॉश करके रख देते हैं, तो आप जब आमला ने कोई रेसिपी बनानी हो तो फिर इसे आसानी हो जाती है। ठीक है, चलिए इसे भी वॉश करते हैं। तो चलिए ये भी वॉश हो गया, इसे भी साइड पर रखते हैं। पहले हम लहसुन बनाते हैं, ठीक है, लहसुन छीलते हैं। चले तो अब मैं लहसुन छील रही हूँ, ऐसे करके छुरी के साथ, ये देखें ऐसे करके, जब ये सारा बन जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसकी कटिंग कैसे करनी है और कैसे पीस करना है। चले तो अब ना गोभी की कटिंग करती हूँ मैं, इसको भी हम फ्रीज करके रखेंगे। अच्छा, मैंने तो कभी नहीं पहले गोभी फ्रीज की, सही रहती है? सही रहती है, हमने इतनी दिन भी फ्रीज नहीं करनी, थोड़े मतलब कुछ दिनों के लिए करेंगे बस। अच्छा, क्योंकि ईद के 3 दिन नैदर आराम से गुजर जाए। मरियम को काफी ट्रेनिंग हो रही है। हाँ, ये भी मैं आपको बताऊंगी किसके आइडियाज हैं।
ये सब कुछ रेडी हो जाए फिर मैं आपको बताऊंगी। किचन के कामों में बड़ी एक्सपर्ट हो गई हुई है ये। चले जब ये सारी बनती है ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ, सब कुछ बन चुका है एकदम से। काम कर लेती है मेरी बेटी, इतनी लायक है ये किचन का, जो भी काम सब्जी बनानी हो या खाना बनाना हो, बहुत ट्रेनिंग हो गई हुई है किचन के कामों की। सब्जियां बनाना, आटा गूंदना और खाना भी एकदम से बना लेती है, अगर चावल को वो भी बना लेती है, तो लहसुन अदरक सब कुछ काट के रख देती है। इतनी शादी से पहले इतनी नहीं थी, अब ज्यादा हो गई हूं। अब ज्यादा हो गई हुई है ये, एक्सपर्ट हो गई है, एक्सपर्ट हो गई है। काफी मेरी हेल्प करती है सुबह खाना पकाने में, मेरे साथ उठती है ना, तो फिर ना दोपहर का खाना हम दोनों मिलके बनाते हैं। चले बस वो भी बन जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलो अब मैं कटिंग करूंगी करेलों की, पहले इसके ऊपर से सारे छिलके उतार के छिलके भी सेव करके रखने हैं, क्योंकि भूत करेले बनाने हैं तो सिर्फ और सिर्फ छिलके उतारूंगी बस, और वैसे ही मतलब कटिंग करनी है। तो चले फिर मैं कटिंग करती हूँ, छिलके उतारती हूँ ऐसे करके, क्योंकि भूत करेलों में छिलके डलते हैं, तो इन छिलकों को भी ना छील के रख के उसको भी फ्रीज कर लेंगे, और करेलों को भी सारे उतार देने ऐसे। तो कुछ लोग हल्दी लगा के रखते हैं ना अम्मी करेलों को, तो हम लोग, आप लगाते हो? नहीं लगा लेते हो दिन, सॉरी। तो ये मेन मेन जो काम है वो सारे मैं कर दूंगी। करेले मैंने छील लिया, हमने ऐसे ही उतार कर दिया, छिलके से पढ़ लेंगे ऐसे ही ना। छिलके तो कड़वे होते हैं नहीं? नहीं वो ना जब फ्राई होते हैं ना, फिर इसके साथ थोड़ा कीमा डाल के ना मसाला बना लेते हैं, प्याज कीमा। तो ये देखिए सब कुछ मैंने रेडी कर दिया है, ये देखें गोभी और ये है करेले, करेलों के छिलके जो लाजमी होते हैं भूत करेलों में डालने के लिए, और ये है लहसुन, सारा मैंने कंप्लीट बना दिया, और ये है अदरक। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अदरक को जब मैं कटिंग करूंगी ना, तो मैं कटिंग कर चुकी हूँ, तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कटिंग करनी है। अदरक के क्यूब्स को आपने ना बड़ा करना है ना इतना छोटा, दरमियाना साइज रखना है, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं ना तो कभी अभी मैं ऐसे ना अदरक की ना कम जरूरत पड़ती है, कभी ज़्यादा पड़ती है, तो इसलिए अदरक को हमने ना बुरा मतलब छोटे साइज में लेना है। चले तो ये है टमाटर, टमाटर को भी मैंने धो लिया था, और बाकी सब चीज़ों को मैंने वॉश करके रखा है, तो ऐसे फ्रीज नहीं करना, धो के रखना है। तो चले अब मैं सबको ना शॉपिंग बैग में डालती हूँ, तो जो नहीं आएंगे उसको हम दूसरी चीज़ में डाल देंगे, कि मतलब दूसरे शॉपिंग बैग में डाल देंगे, बर्तन में रख लेंगे उसको। करेलों को हमने फ्रीज नहीं करना है ना, क्योंकि करेले हम कल परसों बनाने हैं, तो ऊपर फ्रीज में रखेंगे तो ज़्यादा खराब हो जाएंगे, बड़ा फले हो जाएंगे है ना। तो कटिंग मैंने कर ली है इसकी, तो इसके अंदर हम ना कीमे में इसको करेंगे, कीमा फिल करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो सब पहले मैं ना इसके लिए इसमें डालती हूँ लहसुन, इधर ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बना जाता है लहसुन, तो छोटे लहसुन होते हैं, छोटा लहसुन देसी लहसुन होता है ना, बहुत मुश्किल से बनता है, तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। तो बस बन गया, तो मैंने इसलिए कहा मेरी अम्मी को मुश्किल ना आए पेशा हो, क्योंकि अम्मी भी करती है, अम्मी ना फटाफट जब कहती है ना खाना बना लेंगे, तो सब कुछ मैं बना लेंगी, बस पीछे हो जाओ सारे मैं बना लेंगी, जल्दी जल्दी करती है। तो इस वजह से ना फिर ना मैंने सोचा, मैंने कहा इससे मैं सारा कुछ पैक करके ऐसे करती हूँ। तो ये देखिए लहसुन को मैंने पैक कर लिया, इसे मैं साइड पर रखती हूँ ऐसे इधर, तो ये बर्तन इधर रखती हूँ। तो अब बारी आती है अदरक की, तो अदरक भी बहुत ही लाजमी होता है, मसाले बनाते हैं ना जैसे खाने में डालते हैं वो बाजारी मसाले होते हैं, लेकिन अदरक लहसुन तो हमको डालना होता है ना, प्याज अदरक लहसुन, और वैसे भी बाजारी मसाले हम यूज़ नहीं करते हैं। तो कोशिश होती है मेरी भी, यही कोशिश होती है कि ना अगर मैं खुद मसाला बनाऊँ, जब मुझे बिरयानी या कोई अचारी गोश्त बनाना होता है ना, तो मैं मसाला अपने हाथों से अचारी गोश्त खुद बनाती हूँ। तो किसी दिन आपके साथ भी ये मेरी रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत ही मतलब मुश्किल से बनता है, बहुत मेहनत का काम है ना। तो ये देखें ये है अदरक, अदरक को मैं शॉपिंग बैग में डाल दूँगी, तो आप देख रहे होंगे कि मैंने इसको ब्लेंड नहीं किया अदरक लहसुन को, क्योंकि कुछ लोग ब्लेंड करते हैं, तो हमें नहीं पसंद है ना, अम्मी को तो बिल्कुल नहीं पसंद है कटिंग करके भी फ्रीजर में रखना। तो मैंने कहा अम्मी कोई बात नहीं, फ्रीजर में ऐसा रखते हैं, हम अक्सर करते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं होती, ताज़ा ही होता है, तो ब्लेंड नहीं मैंने किया। अम्मी चलो तो ब्लेंड नहीं करना है, ऐसे ही आप कटिंग करके इसको ना शॉपिंग बैग में डाल दें,
तो आप देखिएगा आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो जब ये फ्रीज हो जाएंगे ना, तो जब ना आप ना सिलबटे में इसे पीसेंगे ना, तो ये बहुत ही जल्दी और बहुत जल्द पक जाएंगे। ये अदरक भी हो गया, लहसुन भी हो गया। अब इस पैसे रखिए, एक और शॉपिंग बैग निकालती हूँ मैं, तो उसमें मैं रखती हूँ ये देखें, ये है हरी मिर्चें। इसको भी ना, बाकी हरी मिर्चें हमने फ्रीज की हुई है, थोड़ी सी आई थी तो बड़ी वाली नहीं है, छोटी वाली पड़ी हुई है, तो इसको भी इसी शॉपिंग बैग में ऐसे करके फ्रीज रखती हूँ। ऐसे ऐसे बंद कर दो, बंद करके लास्ट में रखना ऐसे, क्योंकि फ्रिज में ना अभी बड़ा फोर की स्मेल ना आए। तो ये भी हो गया। तो ये लेमन है, इसको हमने फ्रीज नहीं करना, इसको हम ऐसे फ्रिज में रख देंगे, लेमन फ्रीज नहीं करते। तो अब पैक हो रहे हैं टमाटर। तो अब बारी है टमाटरों की। टमाटरों को भी हमने कोई कटिंग नहीं करनी, कोई ब्लेंड नहीं करना, ऐसे रखना है। तो मैं आपको यहाँ टिप देना चाहूंगी, टमाटरों को जब ऐसे करके हम फ्रीज करके रख लेंगे ना, तो जब हम इसे फ्रीजर से निकालेंगे ना, तो इसके ना छिलके हल्का से पानी में रख के इसके छिलके आराम से उतर जाएंगे और अच्छी तरह ब्लेंड हो जाएंगे सिलबट्टे में। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया। ये देखें ऐसे रखें टमाटरों को, ऐसे ही ऐसे करके। तो अब बारी है गोभी की। तो गोभी को भी मैंने धो के ऐसे रख दिया था, इसके खुश्क कर लिया धो के। अब इसको इसमें पैक करके ना ऐसे करके डाल दें इसको। ये भी हम गोभी बड़ी शौक से खाते हैं सारे। हाँ सारे बहन भाई बहुत शौक से खाते हैं कीमा गोभी। कीमा गोभी बहुत ज्यादा मजा आता है। और वैसे भी अभी जान लेंगे छोटे गोश्त का बहुत ज्यादा मजा आता है। बीफ या छोटा गोश्त हो, उसमें ना गोभी और भिंडी और साथ में करेले का बहुत ज्यादा मजा आता है। लेकिन मैं गोश्त बहुत कम खाती हूँ, थोड़ा सा जायका आ जाता है, थोड़ा सा खाती हूँ ज्यादा नहीं। तो ये भी इसमें डाल दें ऐसे करके। तो देखिए गोभी भी डाल दी है फुल पैकेट में, ऐसे रखती है इसको ऐसे, और बर्तन को यहाँ रखती हूँ उधर। तो अब बारी है इसकी, ये करेले की बारी है। करेलों को हम ऐसे बॉक्स में रखेंगे, क्योंकि करेले ना फ्रीज नहीं करने, क्योंकि हमने इसकी फिलिंग करनी है। ये देखिए करेलों कैसे कट किया हमने, तो नमक लगा के इसको धो लिया था। तो कुछ लोग हल्दी हो जाते हैं, लेकिन नहीं, हल्दी से इसका कलर चेंज हो जाता है। मुझे ऐसा येलो कलर अच्छा नहीं लगता, ग्रीन बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसे ऐसे बॉक्स में रख देंगे। चलिए ये भी हो गया। तो ये है करेलों के छिलके, छिलकों में भी संभाल के रखना है, क्योंकि छिलकों को फेंकने नहीं, बुद्ध करेले हैं तो छिलकों का ज्यादा मजा आता है बुद्ध करेलों के साथ। तो इसको ऐसे ही मैं ना फ्रिज में रखूंगी, ऐसे इसी बॉक्स में, ठीक है। इन दो चीजों को मैं, तो बाकी भी रहेगा गर्म मसाला और दालें। तो मम्मी बताएंगी कि गरम मसाले के बारे में बताएंगी, क्योंकि यहाँ आता है बना हुआ गरम मसाला। तो गरम मसाला आता है, वो तो बना हुआ है, वो बड़ी ज्यादा है। और दालें भी आती है बिल्कुल साफ, और चावल बिल्कुल साफ आते हैं, ये सारी मटेरियल। तो ये देखिए यहाँ भी दालें और दालें सब कुछ है, यहाँ सब बिल्कुल साफ होती है, साफ होता है, गरम मसाला भी बना मिलता है बस। और वेजिटेबल्स वगैरह ये नहीं, पैकेटों में होती है दालें, पैकेटों में होती हैं, और उनमें कुछ नहीं होता, कोई कंकर नहीं होता। तो ना ये वेजिटेबल्स थी तो मैंने बना दी। ये तो अक्सर ही मतलब हमेशा ही खाना पकाना होता है, हमेशा इंसान खाता पीता है, तो डिनर लंच हमेशा बनता है, तो वेजिटेबल्स तो हमेशा कटिंग होती है। लेकिन मैंने अभी से कहा ईद है, तो 3 दिन ईद के आराम से गुजर जाएंगे। जब भी पकाना होगा फ्रीजर से निकाला, तो फटाफट बना के मतलब सब कुछ रेडी है, तो बना के 2-3 दिन आसानी से गुजर जाएंगे, ठीक है ना। तो 3 दिन ये भी होता है, कोई आ जाता है अचानक और हमें भी जाना पड़ जाता है गोश्त लेने के लिए, तो सारा दिन बिजी होता है। तो आसानी से, क्योंकि हम सब ना सब्जियां खाने के बहुत ज्यादा शौकीन है, तो हम चाहते हैं कि हम गोभी भी खाएं, करेले भी खाएं, और जो तोड़ियां हैं वो भी बना के रखी हुई है। तो वो ना अम्मी ने कल पकानी है, शायद वो मैंने फ्रीज में रखनी है। तो चलो आप रखो फ्रीजर में। तो चलिए आप इसे फ्रीजर में रखते हैं बिस्मिल्लाह करके, बिस्मिल्लाह। तो ये देखें चिकन भी हमने कल धो के रख दिया था, क्योंकि हम सब चिकन ज्यादा शौक से खाते हैं, और मटन अपनी और भी शौक से खाते हैं, तो इसलिए पहले से चिकन हमने धो के रख दिया है। और ये रह गई ये चीजें, तो हम ऐसे रखेंगे, देखिए ऐसे हम रख लेंगे इसे फ्रिज में। बहुत ही आसानी से निकलने हैं टमाटर भी रख लिए। तो सब कुछ मैंने फ्रीज करने के लिए रख दिया है, ये देखिए नीचे रखेंगे फ्रिज में। तो चलिए बस बस सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। तो सुबह से हम लोग हैं बहुत ज्यादा थक गए हैं, बहुत पसीना आ रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत मेहनत की है आज। तो अपना अभी हम सोच रही हूँ कि हमने तो ठंडा सा जूस पीते हैं बना के, ठीक है। चलो ठीक है। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आप सबको बताया था कि मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि ये सारे आइडियाज किसके थे जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए। तो ये थे मेरी सास अम्मी के,
क्योंकि हमेशा मैं ही सारे लहसुन और अदरक और जो भी जितनी भी सब्जी होती थी मैं बना के मतलब रखती थी। तो कभी कभी ऐसा होता था हम सब्जी को फ्रीज भी कर लेते थे, और वैसे अदरक और लहसुन को तो हम हमेशा टमाटर को हमेशा ना फ्रीज करके रखते थे। तो आज वो मेरी वीडियो देख रही होंगी और वो बहुत खुश होंगी, मुझे पता है वो दिल से बहुत ज़्यादा खुश होंगी। तो बस यही कहना था मैंने आप सबसे, बस आप सबको मेरे आइडियाज जितने पसंद आए होंगे। तो अम्मी बताइए आपको कैसा बना? बड़ा अच्छा लगा मुझे उसका सारा जो सिस्टम बनाया है, बड़ी आसानी होगी इसे सब कुछ बना हुआ मिल जाएगा। जो भी किचन में कुकिंग करने आएगा सबको इजीली सब कुछ मतलब मिल जाएगा बना हुआ, तो उसके बाद सिर्फ हल्का सा वही मतलब जो खाना बनाना था वो बन जाएगा। तो गुजर जाएंगे 8 से भी ज्यादा 8-10 दिन गुजर जाएंगे, इतना ज्यादा मैंने नहीं किया फ्रीज, तो इतना ज्यादा फ्रीज भी नहीं करना चाहिए, बस नॉर्मल जितना मैंने किया। मेरी बेटी का बहुत शुक्रिया, इसने इतना कुछ किया, इतना काम किया है मेरे साथ, सारा कुछ बना लिया, मुझे बड़ी आसानी होगी। अल्लाह पाक इसका ना कामयाबी दे इसको, बहुत आमीन, और खुशी दे, खुशियां दे, रिसीव कर देखने। तो इसी के साथ मेरी वीडियो का एंड होता है। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इंस्टा को फॉलो करें, लिंक आपको पर नजर आ जाएगा। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजे की होगी, क्योंकि अभी मैंने ईद का फेशियल भी करना है, मैं सोच रही हूँ वो मैं फेशियल आपके साथ शेयर करूँ। मैं तो मैं सोच रही हूँ आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँ अगर मैं कर सकी तो एक होममेड फेशियल है और स्क्रब है, तो इंशाल्लाह ताला जरूर मैं कोशिश करूँगी आपके साथ शेयर करूँ। तो मिलती हूँ हम नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।